नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को पिछले 24 घंटों में सेलिंग के एक और राउंड का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज्यादा कॉइन्स पर रेगुलेटरी एक्शन की आशंका जारी है। इस हफ्ते की शुरुआत में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ने बायनांस और कॉइनबेस के खिलाफ अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज में ट्रेड करने की अनुमति देने के लिए मुकदमा दायर किया। मुकदमों में मेंशन्ड और अनमेंशन्ड ऑल कॉइन्स के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की संभावना ने कीमतों में और गिरावट का नेतृत्व किया। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी हाल ही में 24 घंटों में 3% की गिरावट के साथ $26,393 पर ट्रेड कर रही थी। BTC पिछले सेशन में $27,200 से ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पहले से ही असॉर्टेड डिबैकल्स से उबरने वाले इंडस्ट्री के खिलाफ लेटेस्ट रेगुलेटरी बॉडी की कीमत लग रही थी। बिटकॉइन और इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो टेदर के USDT स्टेबल कॉइन के साथ Binance.US पर बड़े प्रीमियम पर ट्रेड किया। एक संकेत है कि इन्वेस्टर्स प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे थे। ETH ने BTC की तुलना में हाल ही में 2.7% की गिरावट के साथ $1,836 पर ट्रेड किया। SEC नतीजे ने BNB का नेतृत्व किया। Binance Smart Chain का नेटिव टोकन 7.6% कम, जबकि Cardano का ETH टोकन, Polygon का Matic और Solana का Sol SEC फाइलिंग में mentioned मार्केट कैपिटलाइजेशन के सभी टॉप 10 टोकन 6% और 9% के बीच गिर गए। जाहिर है पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3.16% घटकर $1.1 trillion हो गया। इस अवधि के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 9.33% घटकर $40.16 billion रह गई। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.77 billion है और स्टेबल कॉइन्स $37.63 billion है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 6.91% और 93.71% है। दिन के दौरान डोमिनेंस का प्रभुत्व 0.04% घटकर 46.55% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन के बारोमीटर 2.05% की गिरावट के साथ 36,985 पर देखा गया। इस बीच डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ इक्विटी इंडेक्स कुछ पायदान ऊपर टिक गया, लेकिन नास्डेक कॉम्पोजिट और S&P 500 कमर्श 1.3% और 0.4% गिर गए 2023 के उच्च स्तर पर पहुंचने के ठीक एक दिन बाद, क्योंकि कैनेडा की अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण इन्वेस्टर्स ने बैंक के बारे में चिंता की। इस फैसले ने नवीनतम सबूत पेश किए कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन के बारे में चिंतित हैं और पिछले एक साल में एसेट मार्केट्स में बाधा डालने वाली मॉनेटरी हड़बड़ी जारी रह सकती है। Binance.US ने हाल ही में US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ चल रहे विवाद की वजह से इथेरियम के आउटफ्लो में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। यूजर्स फंड्स में हेरफेर के लिए रेगुलेटर द्वारा बाइनांस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद रेगुलेटर ने यह भी फैसला सुनाया कि Binance.US पर फंड्स फ्रीज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर SEC को पहले एसेट फ्रीज ऑर्डर के लिए अप्रूवल अप्लाई करना था, जिससे Binance.US कम्युनिटी को अपने फंड्स को विथड्रॉ करने के लिए सीमित समय मिल गया है और उन्हें अज्ञात समय के लिए लॉक होने से रोका जा सके। एक्सचेंज के यूजर्स ने अवसर का लाभ उठाया, क्योंकि SEC के हालिया दृष्टिकोण ने US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के बीच चिंता का कारण बना दिया। Binance.US ने महत्वपूर्ण ETH outflows का निरीक्षण करना शुरू किया। ये दर्शाता है कि यूजर बिहेवियर और मार्केट डायनेमिक्स पर महत्वपूर्ण रेगुलेटरी मूव्स कैसे हो सकते हैं। Binance.US से ETH का outflow बढ़ गया है, क्योंकि SEC ने एक्सचेंज की US assets को फ्रीज करने का आदेश मांगा है। SEC की कार्रवाई ने हाल की रिपोर्ट्स के बाद कहा कि Binance के एग्जीक्यूटिव्स कथित रूप से Binance.US के बैंक अकाउंट्स के नियंत्रण में थे। बुधवार को कुछ गेमिंग टोकन की कीमत हांगकांग के एक पॉलिटिशियन के बाद Web3 इकोसिस्टम से जुड़ी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इन एसेट्स को सिटी में रेगुलेशन का सामना करने की संभावना नहीं है, जब तक कि वे सिक्योरिटीज या फ्यूचर्स ट्रेड को शामिल नहीं करते। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा बिटकॉइन क्रैकडाउन समाप्त हुआ। बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य ऑल्टकॉइंस दरार से उबर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी पर हांगकांग का रुख क्रिप्टो इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देता है। US रेगुलेटर्स और हांगकांग के लेजिस्लेटर्स के विरोधी रुख US से चाइना के विकास में लॉन्ग टर्म बदलाव की ओर इशारा करते हैं।
बुधवार को इंटरनेट कंप्यूटर एप कॉइन, द सैंडबॉक्स, इम्यूटेबल एक्स और गाला ने अपनी रिकवरी शुरू की। गेमिंग टोकन आईसीपी सैंड आईएमएक्स और गाला द्वारा पिछले 24 घंटों के नुकसान को मिटा दिया गया। जैसे ही गेमिंग और वेब 3 टोकन पर हांगकांग का रवैया बिगड़ता है, ये निकट अवधि में इन गेमिंग टोकन में और सुधार भी ला सकता है। स्ट्रिप मिले ने ओनर्स की संख्या में गिरावट के कारण शिबाइनू अपने व्हील्स खो रही है। रीसेंट एविडेंस के अनुसार ये लिमिटेड ग्रुप तेजी से घट रहा है। हाल के आंकड़ों के अनुसार शिब होल्डर्स में केवल 0.7% अब शिब बिलियनेयर्स हैं। प्रमुख होल्डिंग के प्रतिशत में ये कमी इंगित करती है कि शिब मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग एक प्रोमिनेंट ट्रेंड बनता जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से भले ही प्रमुख शिब इन्वेस्टर्स के परसेंटेज में गिरावट आई हो, कुछ डेटा जैसे बड़े होल्डर्स का नेट फ्लो एक अलग तस्वीर प्रकट करते हैं। महत्वपूर्ण होल्डर्स के नेट फ्लो में 7 दिनों का परिवर्तन 1000% से अधिक है, जो आमतौर पर बाइंग प्रेशर में वृद्धि का संकेत देता है। दूसरी ओर 30 दिन का परिवर्तन 22.71% की कमी के साथ एक अलग छवि पेश करता है। उतार चढ़ाव के इस रोलर कोस्टर के बावजूद 90 दिन का परिवर्तन लंबे समय तक 200% की ओवरऑल अपवर्ड टेंडेंसी को दर्शाता है। क्रिप्टो मार्केट की अस्थिरता और शिप की मैसिव सप्लाई के कारण वॉल्यूम में वास्तविक वृद्धि काफी कम महत्वपूर्ण है। बिलियनेयर ओनर्स की संख्या में कमी और अधिक प्रॉफिट टेकिंग बिहेवियर मार्केट की डायनेमिक्स में बदलाव का संकेत देता है, जो मार्केट की अस्थिरता को बढ़ाने में योगदान देता है। 6 जून को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने जेनरेटिव एआई के लिए फ्रेमवर्क को परिभाषित करने के लिए प्रिंसिपल्स का एक सेट पब्लिश किया। ये गाइडलाइंस भारत में एआई रिसर्च, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए कंसिस्टेंट नॉर्म्स और प्रोसेसेस निर्धारित करना चाहते हैं। ये एआई को रेगुलेट करने के लिए देश के इनिशियल ड्राफ्टेड प्रिंसिपल्स में से एक है, क्योंकि फर्म और बिजनेसेस तेजी से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशंस, एआई स्पेशलिस्ट, एकेडमिक्स और प्रैक्टिशनर्स के एक मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रुप के साथ साथ अकेडमिया और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स का ड्राफ्ट गाइडलाइंस को स्थापित करने के लिए उपयोग किया गया था। प्रिंसिपल्स रीजनेबल प्रूडेंस, फोरसाइट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का प्रयोग करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए रिसर्चर्स, डेवलपर्स और यूजर्स ऑब्लिगेशंस पर जोर देते हैं। नास्कॉम का उद्देश्य रिस्पॉन्सिबल एआई गाइडलाइंस को अपनाने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, डिफरेंट यूज केसेस के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस डेवलप करना और मौजूदा रिस्पॉन्सिबल एआई रिसोर्स किट को बढ़ाना है। ये मॉडलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा और एल्गोरिथम सोर्सेस के पब्लिक डिस्क्लोजर्स के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के महत्व पर बल देता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के अनुसार एनर्जी सप्लाई ट्रेन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक क्रांति के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बड़े इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता होगी, जबकि आईटी फर्मों के लिए भारी विकास संभावनाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने शेयर होल्डर्स को लिखे एक पत्र में लिखा, एआई ट्रांजिशन एडवांसमेंट्स की वजह से एक प्राथमिक जोर बन गया है और एआई और मशीन लर्निंग का प्रभाव बहुत गहरा होगा। चंद्रशेखर के अनुसार टीसीएस एआई क्षमताओं को भारी विकसित करने में भारी इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। TCS का मानना है कि 5G, IoT, जनरेटिव AI और वर्चुअल रियलिटी या मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजी ट्रैक्शन पकड़ रही हैं और शॉर्ट से मीडियम टर्म में इन्वेस्टमेंट्स आकर्षित करेंगी। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स भविष्य की घटनाओं या प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने के लिए डेटा का एनालिसिस है। नया कंटेंट जनरेट करने के लिए ChatGPT जैसे जनरेटिव AI इंटरफेस का उपयोग किया जा सकता है। TCS के चेयरमैन ने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क को बदल रहा है और कॉर्पोरेशंस उन्हें रेजिलियंस और एफिशिएंसी के लिए रीबैलेंस कर रही हैं। बुधवार को बायजूस ने अपनी सर्विसेज में सुधार लाने और अपने स्टूडेंट्स के लिए सीखने और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से 3 ट्रांसफॉर्मर मॉडल पेश किए, क्योंकि एडटेक बेहमत अपने बिजनेस के कई पहलुओं में क्रांति लाने के लिए AI पर बड़ा दांव लगाता है। बैटरी एक प्रिडिक्टिव AI एल्गोरिदम है, जिसे ये पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है कि लर्नर्स स्पेसिफिक आइडियाज के साथ संघर्ष करना शुरू करते हैं। ये टेक्निक किसी भी आइडेंटिफाइड नॉलेज गैप्स को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव रिकमेंडेशंस प्रदान करती है, इसलिए कंटिन्यूस लर्निंग को बढ़ावा देती है। MathGPT एक अन्य विशिष्ट मॉडल है, जो सिंपल एनालॉजीज और विजुअल असिस्टेंस के साथ प्रोसेस के माध्यम से स्टूडेंट्स की मदद करते हुए मैथ की किसी भी समस्या को हल कर सकता है।
तीसरा मॉडल टीचर जीपीटी एआई पावर्ड असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है, लर्नर्स को कस्टमाइज्ड हेल्प देता है और उनकी रिस्पॉन्सेज को स्कोर करता है। बायजूस का एआई मॉडल सीखने को और अधिक एंटरटेनिंग बनाने के लिए स्टूडेंट्स के हितों को शामिल करके एडवांस्ड कंसेप्चुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई स्टूडेंट क्रिकेट में रुचि रखता है तो एआई मॉडल कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझाने के लिए क्रिकेट की एनालॉजीज का उपयोग करने के लिए अपनी टीचिंग मेथड को मॉडिफाई कर सकता है। लेंडिंग प्रोसीजर आवे के गो स्टेबल कॉइन के डेवलपर ने दो प्रमुख फीचर्स प्रस्तावित किए जो टोकन की स्थिरता को बनाए रखते हुए होल्डर्स को लाभान्वित करेंगी, इसे इथेरियम मेननेट डेब्यू के एक कदम और करीब लाएंगी। को फरवरी से इथेरियम ब्लॉकचेन के क्वेरली टेस्टनेट पर उपलब्ध है जहां इसने त्रुटिपूर्ण प्रदर्शन किया है। डेवलपर आवे कंपनीज ने मंगलवार को एक गवर्नेंस पोस्ट में V3 इथेरियम फैसिलिटेटर कोलैटरल डिपॉजिट्स के खिलाफ को लेंडिंग के लिए सक्षम करने के लिए और फ्लैश मिंटर फैसिलिटेटर फ्लैश लोन की वेरिएशन या जीरो कोलैटरल के खिलाफ दिए गए लोन्स का प्रस्ताव दिया। ये फैसिलिटेटर जो प्रोटोकॉल या एंटिटीज हो सकते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट तक हो टोकन जारी और बर्न कर सकते हैं, जिससे डिपॉजिटर्स को आवे V3 के इथेरियम मेननेट पूल में रखे गए कोलैटरल के विरुद्ध CHO बोरो करने की अनुमति मिलती है। दोनों फैसिलिटेटर्स को रूपरेखा के रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। अधिक व्यापक विचारों के लिए एक वोट टाइमलाइन जिस पर अब चर्चा की जा रही है अभी स्थापित होना बाकी है। मंगलवार को जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार स्विफ्ट इंटरबैंक मैसेजिंग सिस्टम और चेनलिंक ब्लॉकचेन के लिए वास्तविक दुनिया के डेटा के डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ सहयोग करेंगे ताकि ये इवैल्यूएट किया जा सके कि वे कई ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। स्विफ्ट बड़े ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड BNP पैरिबास BNY मेलन सिटी क्लियर स्ट्रीम यूरोक्लियर और लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के साथ एक नए टेस्ट की सीरीज में नए तरीके से सहयोग करेगी। प्रेस रिलीज के अनुसार इसका उद्देश्य ये इवैल्यूएट करना है कि कैसे ये इंस्टीट्यूशन स्विफ्ट की आर्किटेक्चर का लाभ उठा सकता है ताकि ब्लॉकचेन में टोकनाइज्ड एसेट्स के ट्रांसफर का निर्देश दिया जा सके। रिलीज के अनुसार चेनलिंक इन प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ब्लॉकचेन में कनेक्टिविटी की अनुमति देगा। स्विफ्ट और चेनलिंक ने पिछले साल चेनलिंक के एनुअल कॉन्फ्रेंस स्मार्टकॉन के दौरान अपने कोलैबोरेशन की भी घोषणा की थी। कैथी वुड के फंड्स ने कॉइनबेस ग्लोबल में अपनी स्टेक्स बढ़ाई, जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा इलीगल एक्सचेंज संचालित करने का आरोप लगाने के बाद कंपनी के स्टॉक में गिरावट भी आई। ब्लूमबर्ग के डेटा के अनुसार वुड के प्रमुख आर्क इनोवेशन ETF सहित 3 आर्क इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट LLC फंडों ने मंगलवार को बिटकॉइन एक्सचेंज ऑपरेटर के 419,324 शेयर्स खरीदे। बुधवार को प्री मार्केट ट्रेड में कंपनी का शेयर 4.2% तक ऊपर गया। सैम बैंकमैनफ्रीड के एम्पायर का कोलैप्स, एक व्यापक US रेगुलेटरी कार्रवाई और इंडस्ट्री कंपनीज के बीच बैंकरप्सीज होने जैसे मुद्दों के कारण क्रिप्टो मार्केट की अस्थिरता के बावजूद आर्क कॉइनबेस का चौथा सबसे बड़ा होल्डर है और अपनी स्टेक बढ़ा रहा है। इस साल वुड के फ्लैगशिप फंड ने नैस्डैक 100 इंडेक्स और S&P 500 को आउटपरफॉर्म करते हुए 37% की बढ़त हासिल की है, जबकि पिछले साल आर्क इनोवेशन ETF 67% गिर गया था। बिटकॉइन के लिए $1 million प्राइस टारगेट के साथ वुड की फर्म के पास लगभग 11.7 million कॉइनबेस शेयर्स हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3wordstv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।